वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा, लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का नया टॉपिक, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय स्वचालन, यानी कि जो भी लाइब्रेरीज की एक्टिविटीज़ डे टू डे होती हैं, जैसे सर्कुलेशन आपका, या फिर एक्विजिशन हो गया, या क्लासिफिकेशन, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से, लेस ह्यूमन एफर्ट की मदद से हम कर सकते हैं। इसे यही बात इस डेफिनेशन में भी कही गई है। और अगर बात करें कि ये जो ऑटोमेशन है, ये वर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ है और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है ऑटोमो से लिया गया है, और जिसका मतलब है सेल्फ मूवमेंट या फिर स्पॉन्टेनियस मोशन, यानी कि स्वयं गतिमान या स्वयं स्वचालन, कोई भी काम में स्वचालित होना। और ये जो ऑटोमेशन सबसे पहले जो वर्ड है, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था डीएस हार्डर द्वारा, जो कि एक इंजीनियर थे, और इसे 1936 में फॉर्म किया गया था। और अगर बात करें कि ये स्टार्टिंग कब हुई थी इसको लाइब्रेरी में यूज़ करने की, तो ये 1960 के दशक में प्रयोग में लाया गया, जब हमारे पास मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग लाइब्रेरी में यूज़ किया गया, और उस समय ही हमारे पास सिस्टम्स, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम या फिर जो सॉफ्टवेयर्स होते थे, उनका भी हम लोग प्रयोग करने लगे लाइब्रेरीज में। और अगर बात करें लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है सिंपल भाषा में, तो ये जो पहले चीज़ें मैनुअली हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई हैं ICT की मदद से या सॉफ्टवेयर की मदद से, तो इसे ही हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ ए लाइब्रेरीज प्रोसीजर फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज, सच एज ए फॉर्म ऑफ कार्ड कैटलॉग टू एन ओपेक, और फॉर्म मैनुअल सर्कुलेशन कार्ड टू एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। यानी कि वही सारी चीज़ें कि कन्वर्जन ऑफ लाइब्रेरीज प्रोसीजर फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटराइज, यानी कि जो चीज़ें पहले हम लोग मैनुअली करते थे, वो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज। और इसमें बहुत सारे हमारे पास डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्विजिशन हो गया, सीरियल कंट्रोल हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, सर्कुलेशन, तो ये हमारी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं। हाउसकीपिंग ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि जो लाइब्रेरीज में हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं लाइब्रेरीज को ऑपरेट करने के लिए, लाइब्रेरीज को चलाने के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कहलाती हैं, जैसे कि एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, कैटलॉगिंग या फिर सर्कुलेशन। तो ये सारे हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। और यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है इसमें, जब आप किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट जो होता है वो पहले उसका मीन्स लिखते हैं, फिर उसके कॉन्सेप्ट, फिर आपका डेफिनेशन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन के द्वारा भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन ली हैं, एक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा, और साथ ही साथ दूसरी है ALA ग्लोसरी द्वारा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमेशन डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ऑटोमेशन इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन, अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन और अ प्रोसेस बाय सेल्फ एक्टिवेटिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग और ऑटोमेटिक मीन्स। ऑटोमेशन इम्प्लाइज यूज ऑफ ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स सच एज ए कंप्यूटर और अदर लेबर सेविंग डिवाइसेस। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि इसमें सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ एक्टिवेटिंग और सेल्फ ऑपरेटिंग चीज़ें होती हैं, जिसमें कि लेस ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ हमारा जो मतलब टाइम सेव होता है, साथ ही साथ मनी भी सेव होती है ऑटोमेशन की मदद से। अब हम समझ लेते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम द्वारा इसको दिखाया गया है कि हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन के द्वारा लाइब्रेरीज को कैसे विस्तारित कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी में आप फुल टेक्स्ट देख सकते हैं, लाइब्रेरी को कैसे कैटलॉग मेंटेन कर सकते हैं, और आप डेटाबेसिस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, लोकल इंडेक्सेस को कैसे बोरो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन की मदद से ही हम जो लाइब्रेरीज की सर्विसेज हैं उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक एडवांस वर्जन दिखाया गया है आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, जिसमें कि RFID का प्रयोग किया गया है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक प्रकार से हम कहते हैं ये एडवांसमेंट ऑफ ऑटोमेशन है, जिसमें कि सेल्फ इशू, सेल्फ रिटर्न हो सकता है आपका। टैगिंग के द्वारा आप बुक्स को
बुक्स में टैग लगा सकते हैं जिसमें कि बुक्स की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जो बुक्स की चोरी होने की मतलब प्रॉब्लम्स हुआ करती थी लाइब्रेरीज में यूजर्स के द्वारा, वो भी बहुत ना के बराबर हो रही हैं इस टेक्नोलॉजीज को अपनाने के बाद। तो ये ऑटोमेशन का भी एक एडवांस वर्जन है। और अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द नीड एंड पर्पस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो सबसे बड़ी नीड तो ये है कि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, यानी कि हमारे पास सूचना का बहुत बड़ा भंडार है और हर सेकेंड हर कुछ समय में बाद हमारे पास कुछ ना कुछ नया कंटेंट, नया इन्फॉर्मेशन ऐड होता है, जिसकी मदद जिसकी वजह से कोई भी लाइब्रेरी कैपेबल नहीं हो पाती कि वो प्रत्येक यूज़र की नीड को फुलफिल कर सके। तो हमारे ऑटोमेशन की मतलब मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से, हम रिसोर्स शेयरिंग की मदद से लाइब्रेरीज की यूज़र्स की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ सपोज़िट हमारे लाइब्रेरीज में कोई ऐसी बुक है जो कि अदर लैंग्वेज में है और यूज़र्स को अपनी लैंग्वेज में चाहिए, तो उस ट्रांसलेशन सर्विस, लाइब्रेरी लोन सर्विस, ये सारी सर्विसेज भी हम नेटवर्क की मदद से, ऑटोमेशन की मदद से लाइब्रेरी यूजर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ टू इंक्रीज ऑपरेशनल इफिशियंसी, हमारी जो ऑपरेशनल इफिशियंसी यानी कि जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि एक्विजिशन, कैटलॉगिंग या जो भी रेफरेंस सर्विसेज या जो भी यूजर्स को प्रोवाइड कराते हैं, तो उन सारे ऑपरेशंस में भी हमारी जो एक इफिशियंसी मतलब कि एक हमारी क्षमता है वो बढ़ी है। साथ ही साथ हमारा जो सेव द टाइम ऑफ यूज़र एज वेल एज हमारा जो स्टाफ का भी टाइम बचा है, साथ ही साथ लेस ह्यूमन पावर में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब कर पा रहे हैं और अपने यूज़र्स को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो डुप्लीकेशन होता है ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि अगर हम मशीन का यूज़ करते हैं तो हमें एक्यूरेसी मिलती है, साथ ही साथ हम श्योर भी होते हैं कि हमारा जो काम है वो करेक्ट हुआ है, एक्यूरेट हुआ है, साथ में इसमें डुप्लीकेशन के चांसेस भी कम होते हैं। साथ ही साथ हम मतलब बात करें हमारे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से, हम जो मतलब एक्सेस है हमारा जो लाइब्रेरी को एक्सेस को कहीं भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं रिमोट एरियाज से भी, तो हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी मदद से हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास लेस ह्यूमन एफर्ट, लेस मनी से और लेस समय में हम मतलब कम समय में हमने बहुत सारी चीज़ों को अच्छा किया है, साथ ही साथ अपनी यूज़र सर्विसेज को भी बेटर बनाया है, तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है और साथ में हमारी क्वालिटी और हमारा मतलब क्वालिटी भी हमारी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि हमारा जो काम है वो मतलब हमारी जो सर्विसेज भी हैं वो इम्प्रूव हुई हैं और हमारे यूज़र्स रिमोट एरिया से भी हमारी लाइब्रेरीज को, डेटाबेसेस को, कलेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो लाइब्रेरीज की क्षमता बढ़ी है और साथ ही साथ रिसोर्स शेयरिंग यानी कि हम कंसोर्शियम द्वारा जो कि नेटवर्किंग और नेटवर्क के द्वारा या सॉफ्टवेयर के द्वारा पॉसिबल हो पाया है, तो नेटवर्क शेयरिंग के द्वारा हम लाइब्रेरीज के कैटलॉग को बोरो कर सकते हैं, लाइब्रेरीज की सर्विसेज को बोरो कर सकते हैं, लाइब्रेरी के डेटाबेसिस को बोरो कर सकते हैं, उसके कलेक्शन को बोरो कर सकते हैं, जिससे कि हम यूज़र्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये नीड एंड पर्पस के बारे में हमने डिस्कस किया और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यस। तो हम जब टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं तो मैनुअली के मतलब हम मैनुअली अगर सिस्टम पे यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। जब हम बुक्स में रजिस्टर में कैटलॉग रजिस्टर में हम लोग एंट्रीज भी करते हैं तो हमें बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं हमारे से मिस्टेक तो नहीं है, तो ये डुप्लीकेशन वर्क से भी हम बच सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बुक्स को मैनुअली ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी डुप्लीकेशन मतलब चांसेस होते ज़्यादा हैं, क्योंकि हम बुक्स को सर्च इतनी बड़ी लाइब्रेरीज में करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आने की मदद सॉफ्टवेयर की वजह से, ऑटोमेशन की मदद से हम डुप्लीकेशन वर्क को आसानी से सर्च कर सकते हैं और हमारी जो ये अवॉइड डुप्लीकेशन हमारा जो है वो कहीं ना कहीं मतलब सक्सेस होता है। टू इम्प्रूव कंट्रोल ओवर कलेक्शन, हम अपने कलेक्शन पे भी मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक कंप्यूटर के एक क्लिक से हम अपने मतलब कलेक्शन को चेक कर सकते हैं, उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ों पे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग सर्विसेज, यस। तो हम अपनी जो हमारी सर्विसेज हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो, चाहे हमें यूजर्स ओरिएंटेशन से रिलेटेड हो या रेफरेंस सर्विसेज हैं, तो वो हम सर्विसेज को भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नई सर्विसेज भी ऐड कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग।
और टू फुलफिल द यूजर्स रीडर रिक्वायरमेंट, जैसा कि अभी अपने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास किसी भी लाइब्रेरीज के पास इतना कलेक्शन प्रॉपर नहीं होता कि वो प्रत्येक यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सके। तो लाइब्रेरी सोर्सेज और उनकी जो सर्विसेज के पार्टिसिपेशन की वजह से हम लाइब्रेरीज की यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। टू मेंटेन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द मटेरियल, यस, जैसे कि हम जब मार्क पे कैटलॉगिंग करते हैं तो हमें अलग से बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। मार्क की कैटलॉगिंग से ही हमारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाता है और उसे हमें अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होती और हम डायरेक्टली उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। और टू शेयर द रिसोर्सेज थ्रू लाइब्रेरी नेटवर्किंग, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग की वजह से हम यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन सर्विस एंड लाइब्रेरी लोन सर्विसेज। टू प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एट अ फास्टर रेट, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर और जो नेटवर्किंग मदद से हमारा जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग या इन्फॉर्मेशन एक्सेस की बात करें तो वो काफ़ी स्पीड से ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस के बारे में अभी हमने पहले भी बताया कि लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस जनरली जो डे टू डे रूटीन होती हैं, बेसिक रूटीन होती हैं लाइब्रेरीज को ऑपरेट करने के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कहलाती हैं। जैसे कि एक्विजिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, सीएल कंट्रोल हो गया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो ये सारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स में, चाहे वो ग्रीन स्टोन हो, चाहे कोहा हो, चाहे लिप्सिस हो, चाहे ई ग्रंथालय, तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स में ये जो मेन लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस होते हैं वो इनबिल्ट रहते हैं। तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्विजिशन को डिस्कस करते हैं। एक्विजिशन को हिंदी में अधिग्रहण बोलते हैं, यानी कि मतलब बुक्स को, इसमें क्या होता है कि बुक्स को ऑर्डर करने से लेके बुक्स का अप्रूवल से लेके बुक्स को एक्सेशनिंग से लेके बुक्स को हम लोग डुप्लीकेट भी सर्च करते हैं, तो पूरा प्रोसीजर इस सेक्शन में होता है और इस सेक्शन को हम लोग जनरली टेक्निकल सेक्शन बोलते हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि इसमें बुक्स को इंटेंट फॉर्म होता है और जिसके द्वारा हम लाइब्रेरीज की फैकल्टी से बुक्स की डिमांड करवाते हैं। देन उसके बाद हम लोग डुप्लीकेट सर्च करते हैं कि वो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, जो फैकल्टीज इंडेंट फॉर्म में फिल करके देती है। उसमें जो फॉर्म होता है इंडेंट फॉर्म, उसमें टाइटल, ISBN, ऑथर, तो ये सारी डिटेल्स उसमें दी होती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग डुप्लीकेट सर्च करते हैं। डुप्लीकेट सर्च में ये देखना होता है कि वो जो बुक्स हमें फैकल्टी द्वारा डिमांड की गई है वो हमारे पास है या नहीं है। अगर होती है तो हम डायरेक्ट फैकल्टी को उसका एक्सेस दे देते हैं, अदरवाइज उसे हम वेंडर को उसकी मतलब डिटेल फॉरवर्ड करते हैं और वेंडर हमें उसकी मतलब डिस्काउंट कितना देगा ये सारी चीज़ें हमें फॉरवर्ड करता है। और जब हमारा ऑर्डर अप्रूव हो जाता है और उसके बाद हम लोग ऑर्डर दोबारा मतलब उनको वेंडर को प्रोवाइड कराते हैं और इसके बाद वेंडर हमें बुक्स प्रोवाइड कराता है। बुक्स प्रोवाइड कराने के बाद हम लोग बुक्स को चेक करते हैं कि इसमें प्रॉपर हमारी बुक्स जो हमने ऑर्डर की है वही है या नहीं है। उसमें हम बुक्स को चेक करते हैं कि बुक्स कोई कटी फटी तो नहीं है, उसका कोई ब्लैंक पेज नहीं है, ब्लैंक पेज तो नहीं है उसमें, या मिसप्रिंट तो नहीं है, या फिर उसमें जो हमारा जो ऑथर, ISBN या टाइटल, वो हमारा प्रॉपर वही है या नहीं है। तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम उसे एक्सेशनिंग के लिए भेजते हैं और एक्सेशनिंग में आपके सारे डिटेल 14 कॉलम्स में मतलब लिखी जाती है, जिससे कि जिसमें कि आपका वेंडर की बिल्स की डिटेल, टाइटल, ऑथर, ISBN, ये सारी चीज़ें, पब्लिकेशन प्लेस और पब्लिकेशन प्लेस, पब्लिकेशन का नाम, ईयर, सब कुछ मेंशन होता है। और इसके बाद एक्सेशनिंग के बाद आता है कैटलॉगिंग का। तो कैटलॉगिंग आपका दूसरा मॉड्यूल है, तो उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो एक्विजिशन के अंदर आता है और एक्विजिशन को हम लोग अधिग्रहण कहते हैं और ये टेक्निकल सेक्शन का ही एक बड़ा पार्ट है और एक तरह से हम कहते हैं लाइब्रेरी का बहुत बड़ा पार्ट है। यहीं से बुक्स को लाइब्रेरी स्टैक्स तक पहुँचाने के कार्य की शुरुआत की जाती है। और एक्विजिशन के बाद आते हैं कैटलॉगिंग पे। तो एक्सेशनिंग के बाद हमारा टूलिंग होता है, टूलिंग के बाद हम लोग बुक्स को कैटलॉग करते हैं, यानी कि इसमें हम लोग बुक्स की जो डिटेल होती है, मेन पेज की डिटेल, जिसमें कि बुक्स का ऑथर, बुक्स का नाम, बुक्स का टाइटल है और पब्लिकेशन प्लेस,
ईयर और पब्लिशर का नाम, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग फील्ड्स में भरते हैं जो कि मार्क फील्ड कहलाती है। जैसे कि हमारा 0 to 0 ISBN की डिटेल उसमें भरते हैं हम लोग, 100 में ऑथर की डिटेल भरते हैं, 400 में हम लोग सीरीज़ की डिटेल भरते हैं, इसी प्रकार से हम लोग 300 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि बुक्स का साइज़ पेजेस वगैरह भरते हैं, इसी प्रकार 650 में हम लोग उसका टॉपिकल टर्म्स यानी कि बुक्स किस टॉपिक से रिलेटेड है वो भी इसमें फिल्स फिल जो उसकी फील्ड्स होती हैं उसमें हम लोग फिल करते हैं। तो इससे हमारा पूरा डिटेल एक तरह से लाइब्रेरी का तैयार, मतलब बुक्स का डिटेल तैयार हो जाता है, और एक तरह से हम लोग डेटाबेस भी कह सकते हैं, जिसमें कि साथ ही साथ इसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल भी तैयार हो जाती है, और जो कि हमें कार्ड कार्ड को प्रिंट करने में, मतलब कार्ड कार्ड को बनाने में हेल्प करती है। और इस फॉर्मेट की मदद से ही हम बुक्स को ओपेक में सर्च कर पाते हैं। तो ये मार्क के द्वारा ही हम कह सकते हैं कि मार्क की जो डिटेल है कैटलॉगिंग हम लोग मार्क पे करते हैं, उसके द्वारा ही हम ओपेक पे बुक्स को अलग अलग तरीक़ों से सर्च कर सकते हैं। तो ये कैटलॉगिंग के बारे में था, और अब हम बात करते हैं सीएल कंट्रोल की। तो सीएल कंट्रोल में सेम एक्विजिशन का ही एक तरह से हम कह सकते हैं एक्विजिशन का ही प्रोसेस होता है, बस फर्क ये होता है कि एक्विजिशन में हम लोग बुक्स को परचेज करते हैं, और सीरियल्स जैसे कि आपसे को नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, कोई भी मटेरियल पब्लिश हो रहा है जैसे कि आपका जर्नल हो गया, आपका आपका न्यूज आपका जर्नल हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, तो आपका इस तरह की जो पेपर रिसर्च पेपर हो गया, तो ये सारे आपके आपका जो मैगजीन्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें सीरियल कहलाती हैं, या फिर इसे पीरियोडिकल्स भी कहते हैं, जो कि एक समय अंतराल के बाद पब्लिश होती हैं। और इसको भी जब हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की मदद से, तो ये हमारा सीरियल कंट्रोल का एक पार्ट होता है, जिसमें कि हम मैगजीन्स रिसर्च पेपर आर्टिकल्स इन सबको परचेज करते हैं। बस डिफरेंस ये है, एक्विजिशन में हम लोग बुक्स को परचेज करने के बाद उसकी बिलिंग करते हैं यानी कि पेमेंट करते हैं, और जबकि सीरियल कंट्रोल में बुक्स को यानी कि सॉरी जर्नल्स को या मैगजीन्स को या फिर आर्टिकल को पहले हम लोग पेमेंट करते हैं, फिर हम उसका ऑर्डर करते हैं, यानी कि पहले इसका पेमेंट पहले हो जाता है और हम लोग इसको मंगवाते बाद में, हमारे पास आता प्राप्त करते हैं बाद में। तो ये अंतर है कि एक्विजिशन में हम लोग पहले पेमेंट ना करके हम लोग बाद में पेमेंट करते हैं, और सीरियल कंट्रोल में हमारा जो पेमेंट का प्रोसेस है वो पहले हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है सीरियल कंट्रोल और एक्विजिशन में, और ज़्यादातर ये पूछा भी जाता है मतलब कोई भी इंटरव्यू या फिर किसी भी पेपर्स में, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक डायग्राम है, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी एक मॉड्यूल है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स का, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है, और जैसे कि इसके द्वारा हम लोग बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं कि बुक्स जैसे कि स्टॉक वेरिफिकेशन के द्वारा हम लोग बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग लाइब्रेरी में बुक्स की जगह कहाँ पे कहाँ लोकेशन है इसको भी ट्रैक कर सकते हैं इसके द्वारा। साथ ही साथ अलग अलग जो बुक्स हैं उनकी कैटेगरीज को भी अलग अलग हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि रेफरेंस बुक, हमारी टेक्स्ट बुक, तो ये अलग अलग हम बुक्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नया जो कलेक्शन हुआ है हम उसे ऐड कर सकते हैं और उसे मतलब मैनेज भी कर सकते हैं, और जो की डिटेल होती है हमारी बुक्स की, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो या परचेजिंग से रिलेटेड हो, तो उनको भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। बुक्स की अवेलेबिलिटी या फिर स्टेटस को भी हम चेक कर सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के द्वारा, और साथ ही साथ बुक्स की मतलब इशू कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बुक्स की यूज़र्स होते हैं मतलब लाइब्रेरी के, उनकी भी डिटेल को हम लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको सिक्योर भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मॉड्यूल्स को हम लोग किसी अलग अलग अथॉरिटेटिव पर्सन को दे देते हैं, और जिससे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ऑपरेट करना, उसे प्रोसेस करना, जिससे कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन होती है, और इससे हमारा डेटाबेस कहीं भी मतलब डिलीट नहीं होता, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। तो ये पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल था जो कि हर सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड होता है। और ये कुछ सर्विसेज हैं लाइब्रेरी ऑटोमेटेड सर्विसेज हैं, जैसे कि ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि जिससे हम बुक्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं। पहले लाइब्रेरी जो कैटलॉग हुआ करता था वो रजिस्टर पे मेंटेन मतलब करते थे, जिसमें कि बुक्स की डिटेल होती थी कि लाइब्रेरी टाइटल क्या है, ISBN क्या है, सब्जेक्ट क्या है,
उसकी सीरीज क्या है, मतलब इस सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हम आज के डिजिटाइज युग में या फिर ऑटोमेटेड के ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज में देख रहे हैं कि ओपेक का हम लोग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि इसमें हम बुक्स को अलग अलग तरीक़ों से ISBN द्वारा, ऑथर द्वारा, टाइटल द्वारा, सीरीज द्वारा या सब्जेक्ट द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको वेब ओपेक भी दिख रहा होगा, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़्यादातर वेब ओपेक की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं वेब ओपेक को। और ओपेक को हम लोग एक लिमिटेड, एक बाउंड्रीज होते हैं उसके बीच, उसके अंदर ही हम लोग ओपेक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है ओपेक और वेब ओपेक में। साथ ही साथ एक्सेस टू डेटाबेसेस, यानी कि हम लाइब्रेरीज के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के द्वारा कहीं से भी। इंटर लाइब्रेरी लोन एंड डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट सर्विसेज, यानी कि हम लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी लोन के द्वारा बुक्स को बोरो कर सकते हैं और यूजर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट एंड ईमेल सर्विसेज भी मतलब हमारी ऑटोमेटेड सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि ऑटोमेटेड मेल जाती है सर्विस यूजर्स के पास जब उनके जो बुक्स की ड्यू डेट ओवर हो जाती है, जिससे कि वो फाइन से बच सकते हैं। और साथ ही साथ सेल्फ मतलब स्वयं ही वो सॉफ्टवेयर की मदद से बुक्स को रीइशू कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। और एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, यानी कि बुक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं, ई बुक्स हो गया, ई जर्नल हो गया, ई थीसिस हो गए, तो ये सारी चीज़ों को भी घर बैठे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। और साथ ही साथ करंट अवेयरनेस सर्विसेज, सेलेक्टिव डेसिमिनेशन सर्विसेज भी, ये भी पॉसिबल हो पाए हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। तो करंट अवेयरनेस सर्विस की बात करें तो जो भी कॉमन सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपकी कोई भी नया बुक्स आया या नया जर्नल आया, कोई भी नया कलेक्शन ऐड हुआ, तो वो लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पे टैग कर दिया जाता है, या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो कॉमन इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कॉमन यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती है। सारे यूजर्स, इसमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ यूजर्स नहीं होते, वो सारे यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी करंट को, जो भी हमारे पास लाइब्रेरीज में कोई करंट इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑरिएंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे हमारी वर्कशॉप से हो, ट्रेनिंग से हो, या फिर कोई भी कलेक्शन से हो। और जहाँ बात होती है सिलेक्टिव डेसिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें सिलेक्टिव डेसिमिनेशन, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड यूजर्स को ही हम इन्फॉर्मेशन को डेसिमिनेट करते हैं, यानी कि उनसे उनको भेजते हैं, और जिसमें कि उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। इसमें यूजर्स की मतलब प्रोफाइल का डेटाबेस, और साथ ही साथ जो नया कलेक्शन हमारा ऐड हुआ उसका डेटाबेस तैयार किया जाता है, और दोनों को मैच कराने के बाद अगर वो मैच हो जाते हैं, फिर उस सिलेक्टेड टाइप ऑफ यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। यानी कि इसमें कॉमन यूजर्स को ना शेयर करके एक सिलेक्टेड टाइप ऑफ यूजर, यानी कि चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, या कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं, या कोई फैकल्टीज हो सकती हैं, तो ये कुछ पर्टिकुलर उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, मतलब रिसर्च एरिया क्या है, तो उसके बेसिस पे हम उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनकी जो नया कलेक्शन होता है उसको उनको शेयर करते हैं। तो ये करंट अवेयरनेस सर्विस और सिलेक्टिव डेसिमिनेशन इन्फॉर्मेशन में एक डिफरेंस था, और इसको मैं एक नए लेक्चर में डिस्कस करूँगी डिटेल में, क्योंकि ये एक अलग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में डिस्कस करते हैं हम लोग कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो जितने हम टॉपिक पॉइंट्स डिस्कस किए उससे आपको आइडिया लग गया होगा क्या इम्पोर्टेंस है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की। तो इससे हम लाइब्रेरीज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा जो टाइम, मनी और लेस ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता होती है। हमारी कैटलॉगिंग भी इम्प्रूव हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जब हाथ से कैटलॉगिंग करते तो हमारा बहुत ज़्यादा समय जाता था, और यही हम मैप की मदद से कैटलॉगिंग करते हैं, और जिसकी वजह से हमें बिब्लियोग्राफिक डिटेल भी ऑटोमेटिक मिल जाती है, और हम लोग ऑटोमेटिक कार्ड को भी प्रिंट कर सकते हैं एक जगह कैटलॉगिंग करने की वजह से। और साथ ही साथ हमारा जो सिस्टमैटिक वे में डेटा कलेक्ट हो पा रहा है, हम चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में रख पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये भी एक ऑटोमेशन की मदद से ही पॉसिबल हो पाया है। और साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ पे जो बर्डन था, जो लोड था, सबसे ज़्यादा लोड तो सर्कुलेशन काउंटर पे होता है कि बुक्स को एक लंबी सी लाइन लगी होती है और सब अपनी लाइन का वेट करते हैं कि कब हमें बुक इशू होगी। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की मदद से, कि इससे हमारा जो इशू रिटर्न का जो प्रोसीजर वो बहुत ही
चंद सेकेंडों में हो मतलब पॉसिबल हो पाया है। और RFID की बात करें तो वो सेल्फ इशू रिटर्न होता है, उसमें तो विद इन सेकेंड में हम बुक्स को इशू और रिटर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी आई है, यानी कि हम नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ों को आसान से आसान कर पा रहे हैं। जैसे कि RFID मैंने अभी बताया था, जिसमें कि सेल्फ इशू, सेल्फ रिटर्न, स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत आसानी से होता है। बुक चोरी होने की जो समस्याएं हैं उससे भी हम बहुत हद तक मतलब उस पर हमें मतलब कमी एक तरह से ना के बराबर वो चोरी की घटनाएं हो पा रही हैं आज की डेट में। और साथ ही साथ हमारी जो इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी भी मतलब हुई है, हमारी मतलब प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ी है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग। तो आज हमने डिस्कस किया लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में, इसके नीड के पर्पस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंस और इस बारे में भी डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।